यार इसको उतारो। गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम आया जंगल सफारी। ये हमारा टाइगर रिजर्व। सो गाइस सिरस्का टाइगर रिजर्व थाना गांजी से 8 किलोमीटर पड़ता है अपना। ये भैया क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम भैया? बागचंद सैनी। ये बागचंद सैनी जी, भाई थोड़ा सा बताओ जंगल के बारे में, अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या है? जंगल सफारी होती है यहाँ से। अच्छा, तो अंदर जीप वगैरह हमारी गाड़ी जाने देंगे या नहीं जाने देंगे? गाड़ी शनिवार मंगलवार मंदिर तक जाते है, हनुमान जी का मंदिर है। अच्छा अच्छा, तो जहाँ से सफारी चालू होती है वहाँ से सफारी 100 मीटर आगे राइट हैंड पे ऑफिस है ना, फॉरेस्ट ऑफिस। अच्छा अच्छा, यहाँ से आगे टिकट विंडो यहाँ से है, यहाँ से गाड़ी अलॉट हो गया। तो क्या हमारी गाड़ी अंदर जाने देंगे सफारी के लिए? नहीं नहीं, आपकी गाड़ी मिल जाएगी। अच्छा, तो अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते हम, आप मंदिर तक जा सकते हो। और कौन कौन से दिन खुलता है भैया? शनिवार मंगलवार मंदिर के लिए खुलता है, सैटरडे ट्यूसडे 2 दिन खुलता है सिर्फ। पर्सनल मंदिर के लिए 2 दिन मिलते हैं आपको, जो अपनी गाड़ी अंदर तक ले जा सकते हो, सिर्फ मंदिर तक। तो भाई जैसा कि आपने बताया, टिकट काउंटर यहाँ से जहाँ से मैंने दिखाया आपको 100 मीटर पीछे से है, गाड़ी वहीं से अलॉट होगी आपको अंदर जाने के लिए। और कितने टाइगर हैं भैया इसके अंदर, कुछ अंदाजा? 23 टाइगर। 23 टाइगर हैं, 23 टाइगर बता रहे हैं भैया जो इसके अंदर है अभी। तो जब हम अंदर जाएंगे तो सफारी के लिए जीप वगैरह कहाँ से मिलेंगे हमारे को? वहाँ से अलॉट हो जाएगी। अच्छा, जीप वहीं से अलॉट हो जाएगी, पार्किंग है, पर्सनल गाड़ी वहाँ पे लगाओ आप। अच्छा, वहाँ से गाड़ी अलॉट हो जाएगी। क्या चार्जेस लेते हैं वो जीप वगैरह के? एक जिप्सी का होता है 6 मेंबर के ऊपर 5200 रुपये। 5200 रुपये, जैसे आप मान लो हम 4 लोग हैं और 6 लोगों की जिप्सी है, तो उसका क्या होगा उसमें? किसी और लेना चाहो तो आप शेयरिंग भी कर सकते हो किसी दो को और को। अच्छा अच्छा, नहीं पर्सनल लेना चाहो तो 4 भी ले जा सकते हो। अच्छा, तो अगर हम 4 लोग मतलब अगर हम पूरी जिप्सी करना चाहें शेयरिंग के साथ, शेयरिंग के लिए लोग मिल जाते हैं अंदर? बिल्कुल मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा, और बाकी अगर और क्या क्या चीज़ें जाती हैं अंदर? सिर्फ जिप्सी है और कुछ भी है? जिप्सी एक एंटर जाता है 20 मेंबर के ऊपर। अच्छा, बड़ा ग्रुप हो तो उसमें ग्रुप अंदर मिल जाते हैं शेयरिंग में? हाँ मिल जाते हैं। उसका चार्जेस क्या रहता है? उसका चार्जेस 500 कुछ रुपये पर मेंबर पड़ता है, 500-550 रुपये पड़ता है वो। अच्छा अच्छा, तो वो अभी जा रहे होंगे अगर वहाँ से जाते हैं। गाइस आप 500 रुपये में भी अंदर जा सकते हो, जो बड़ी वाले कैंटर होते हैं जिसमें कि 20 लोग बैठते हैं साथ में, और मुझे लगता है वही बेस्ट है। अगर आप 1-2 जने आ रहे हो तो वही बेनिफिट है, बाकी जिप्सी लेना चाहते हो तो जिप्सी भी आप ले सकते हो। तो यहाँ से अभी 100 मीटर आगे चलते हैं, फिर उसके बाद अपना टिकट वगैरह लेते हैं। गाड़ी यहीं खड़ी होगी हमारी। अब सफारी करनी है क्या आपको? हाँ हाँ। तो सफारी का 2 शिफ्ट होती है, सुबह 6 बजे टिकट मिलता है सुबह वाली सफारी का। अच्छा, और उसका मतलब 1-1.5 घंटे टिकट मिलता है, 10 बजे तक वापस ले आते हैं, 10-10.30 बजे तक बाहर घुमा के। ठीक है। दूसरी वाली शिफ्ट चलेगी 1 बजे विंडो खुलेगी। 1 बजे विंडो खुलेगी। और 1 बजे से कितने बजे तक? 1 बजे से आप 5:30 बजे बाहर ले आएंगे। गाइस 2 शिफ्ट चलती हैं यहाँ की, एक सुबह कितने बजे? 8 बजे से 6 बजे से, सुबह 6 बजे से 6 बजे से आप 10 बजे तक बाहर आ जाओगे, 10 बजे तक बाहर आ जाओगे। दूसरी शिफ्ट लगेगी 1 बजे से 5 बजे तक, 1 बजे से 2:30-3 बजे तक टिकट मिलेगा। अच्छा, 5:30 तक बाहर आ जाओगे। 1 से 2:30 बजे तक टिकट मिलेगा और 5:30 तक आप बाहर आ जाओगे क्लोजिंग टाइम से पहले पहले। तो ठीक है, तो हमें किससे जाना चाहिए, आप क्या कहते हो? हम 4 लोग हैं। 4 सफारी करो तो जिप्सी से जाओ अपना, 1 बजे बाद टिकट मिलेगा वहाँ से। अच्छा, और अगर कैंटर से जाना चाहे उससे भी जा, कैंटर भी से जा सकते। बच्चा अलाउड है अंदर हमारे साथ, 2 साल का बच्चा? बिल्कुल जा सकते, उसका टिकट नहीं लगेगा। अच्छा, जो टिकट है इसका चार्जेस कितना है? कैंटर का आपका 2100 रुपये समथिंग लगेगा 4 मेंबर का। अच्छा, और बाकी जंगल सफारी के जो टिकट लगते हैं कुछ अलग है या उसी में? उसी में आ गया, जंगल सफारी का ही बताया मैंने, कैंटर का। अच्छा, वैसे पर्सनल गाड़ी का तो मंदिर का लगता है 350 रुपये लगेगा टिकट ओनली। अच्छा, तो हम फिर उसी से जाते हैं ना, हमारे को इसको ले जाने का क्या फ़ायदा फिर? वो मंदिर लेके जाएंगे हमारे को? मंदिर वो नहीं करवाएंगे, मंदिर तब हो सकता है जब आप पर्सनल जिप्सी लोगे। अच्छा, क्योंकि कैंटर में और भी तो लोग रहेंगे, वो बोलेंगे हमें जंगल जाना है, आप बोलोगे मंदिर जाना है, ऐसे नहीं होगा। पर्सनल जिप्सी ले जाओगे तो अभी शेर वगैरह दिखने के चांस है अभी या नहीं है? टाइगर का तो देखो पक्का नहीं कह सकते, बाकी चांसेस के ऊपर। अच्छा, दिख रहा है आजकल तो रोज टाइगर दिख रहा है। अच्छा, दिख रहे हैं। हाँ। तो गाइस भैया कह रहे हैं कि आजकल रोज दिख रहे हैं, बाकी कुछ कह नहीं सकते, आप भी जानते हो टाइगर्स वगैरह अंदर ज्यादा रहते हैं तो उनका तो कुछ पता नहीं, दिख जाए तो अच्छी बात है, बाकी होप्स हो कि दिख ही जाएंगे। तो ठीक है भैया, ओके। तो गाइस चलते हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी जरूरी थी, ले ली हमने बाहर, अब हम चल रहे हैं यहाँ से। तो गाइस यहाँ पे हम आ चुके हैं, ये पार्किंग के अंदर जो कैंटीन होती है ना, जहाँ से टिकट लेते हैं हम, जहाँ से हम लोग टिकट लेंगे वहीं पे पास में कैंटीन है। अभी 1 बजे की टाइमिंग है हमारी,
तो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर, म्यूजियम और कैंटीन दोनों चीज दिखाता हूँ। उसको मत दो, हैवी है। सो ये यहाँ की कैंटीन है, आपको क्या क्या मिल सकता है यहाँ पे, आप यू कैन सी टी, कॉफी, लस्सी, ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड सैंडविच, ब्रेड ऑमलेट, स्टफ पराठा, प्लेन मैगी, वेज मैगी और ब्रेड बटर। सो गाइस ये सब चीज़ें मिल सकती है, बाकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह आपको, सॉफ्ट ड्रिंक मिल सकती है सारी। तो ये कुछ इनका बनाने का है कैंटीन का, ये भैया हैं जो कैंटीन में बना रहे हैं। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ अंदर म्यूजियम, ये एंटर करेंगे आप कैंटीन के पास से एंटर करेंगे ना तो ही आपको म्यूजियम दिखेगा। यू कैन सी आपको क्या सेफ्टी लेनी चाहिए। देख सकते हो आप मेरे पीछे टाइगर, बाकी आप सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं जो जो भी वाइल्ड लाइफ ने किया है यहाँ पे, सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं यहाँ पे। तो मैगी ले लिया हमने, पराठा ले लिया, ये दो चीज़ ही मिली थी खाने में, पराठा सिर्फ एक ही मिलेगा आपको, आलू और प्याज का पराठा मैंने ले लिया और अभी मैं खा रहा हूँ, उसके बाद आपको आगे मिलता हूँ। सो फाइनली टिकट डन, टिकट हमने ले लिया, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था पीछे कैंटीन है जहाँ हमने अभी खाना खाया था, और उसके बैक साइड में ही ये विंडो है, टिकट विंडो, और ये आप देख सकते हैं ये हमने टिकट ले लिया अपनी। हम 5 लोग हैं, बाकी 6 लोग आप अलाउड हो सकते हैं, एक जिप्सी के अंदर 6 लोग अलाउड हैं, हम 5 लोग हैं तो, लेकिन इनका जो गवर्नमेंट चार्जेस है वो 5130 रुपये, 5130 रुपीज़ पर जिप्सी का आपका रेंट है, उसमें आप 6 लोग जा सकते हैं, बट हम 6 लोग नहीं हैं, हम 5 लोग हैं। तो गाइज ये मेरे को आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, ये मैंने आपको दे दी है, आज टाइगर दिख जाए क्योंकि चांसेस लग रहे हैं, एक दो जनों से पूछा है अंदर के तो चांस हैं, उन्होंने कहा चांस आपके पास काफ़ी हैं, और यहाँ के बंदर बड़े ख़तरनाक हैं यार। एक हमने पूल किया है, एक भाई अकेले थे, मिलवाता हूँ आपको, 4 लोग थे तो मैंने, भाई अकेला था तो कभी कभार क्या होता है जैसे आज क्राउड नहीं है तो आप अकेले आ रहे हो तो हो सकता है आपको वापस घर जाना पड़े या फिर अकेले के लिए जिप्सी लेनी पड़ेगी आपको 5200 रुपये की, तो इसलिए भाई को हमने पूल कर लिया अपने साथ। भाई भी अभी एग्ज़ाम देने आया था, तो भाई किस चीज़ का एग्ज़ाम था आपका? SSC GD का एग्ज़ाम था भाई का, उसके बाद भाई घूमने आ गए, बहुत बढ़िया। तो अब चलते हैं, मिलते हैं अब आपको अंदर, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया, बाकी जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको देता हूँ वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय। आ चुके हैं जिप्सी हमारी एरी, ठीक है, ये हमारे को गाइड हैं भैया, ये भरत जी हमारे को गाइड हैं। सर अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दीजिए। सर मैं गाइड है, मेरा नाम भरत सिंह राठौर है। अच्छा भैया, मैं गाइड हूँ सर यहाँ पे। और आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं भैया? मैं सर 2012 से काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप जिप्सी आप ही चलाएंगे या जिप्सी कोई और चलाएंगे? जिप्सी और कोई चलेगा। अच्छा, आपको लगा के मतलब हम 6 लोग पीछे बैठ सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको को गाइड और ड्राइवर दोनों आपको अवेलेबल होंगे, मिलता हूँ, होप सो आज टाइगर दिखेगा। सो दोस्तों आ चुके हैं सिरस्का के गेट के पास, अब हम लेंगे अपनी एंट्री। आप देखिए जहाँ से अभी हमने पर्ची कटाई थी, उसके बाद हमें ये मेन गेट है, मेन गेट से अब हम एंटर करेंगे और एंटर के बाद अपन फॉरेस्ट के अंदर एंट्री कर जाएंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें। जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी वो बिल्कुल राइट थी, क्योंकि मैंने भी एक यूट्यूब चैनल से देख के कई चीज़ें देखी हैं जो गलत थी, मैं आपको राइट इन्फॉर्मेशन भी दूंगा एक छोटी सी ब्रीफ के अंदर। तो अभी चलते हैं अंदर। चौधरी, वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? मायू, वेयर आर यू गोइंग? तो आ चुके हैं हम अंदर, एंट्री हो चुकी है। Hello. ये हमारे को गाइड भरत जी बता रहे हैं कुछ। हाँ सर बताइए, क्या बता रहे थे? अरे तो सरिस्का है। हाँ जी, वो 1213 स्क्वायर किलोमीटर में है। अच्छा, इसमें से कोर ये जो है वो 881 स्क्वायर किलोमीटर में है सर। अच्छा, और यहाँ पे 23 टाइगर हैं सर। अच्छा जी सर। तो सर 23 इसी एरिया में है या पर्टिकुलर या अलग एरिया में? पूरे एरिया में सर। अच्छा, पूरे एरिया में? पूरे एरिया में। अच्छा, तो हम जिस एरिया में जा रहे हैं वो कितना एरिया है? 881 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है उसमें से सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 20% एरिया ही टूरिज्म के लिए ओपन है सर। अच्छा अच्छा जी सर, तो बाकी बिल्कुल कोर एरिया है, बाकी 80% है। वहाँ आप लोग भी नहीं जा पाते? वहाँ कोई नहीं जाता, उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं सर, फॉरेस्ट चौकी हमें नहीं हुई वहाँ पे, बस वही जाते हैं। अच्छा अच्छा जी सर, तो ठीक है भैया। सो
सो गाइस आपने सुना जैसे कि भैया ने बताया तो हम 20% एरिया के अंदर ही हम लोग जितना होता है उसमें घूम पाते हैं और बाकी 80% कोर एरिया के अंदर हम लोग नहीं जा पाते। सो गाइस देख रहे हो क्रोकोडाइल, अगर आपको दिखेगा नहीं काफ़ी दूर है, बिल्कुल बाहर आराम से निकला हुआ है। अगर इसमें दिखेगा नहीं आपको फोकस में, क्योंकि मैं आपको फोटोज़ में दिखाऊंगा, अभी जो फोटोज़ डालूंगा ना उसमें आपको दिखा दूंगा, बट पूरा बड़ा बिग क्रोकोडाइल है एकदम यार। सो ठीक है आगे आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या दिखता है। अभी एक क्रोकोडाइल तो दिखा फर्स्ट। देखो सबसे अंदर, चलो अंकल धक्का मारो, घर आ गए पिछले साल में। सो गाइस टाइगर देखने की संभावना हो गई है। टाइगर यहाँ बोल नहीं सकते ज्यादा तेज, ये देख रहे हो सारी जिप्सियां इधर रुके हैं बीच जंगल में रुके हुए अभी हम, सारी जिप्सियां इकट्ठी हो गई हैं सफारी की। टाइगर यहीं पे अंदर की साइड थोड़ा साइड में, बट अभी बाहर नहीं आया, साइड में दिख रहा है बट उसी का वेट कर रहे हैं सारे। सो गाइस ये देख सकते हो आप, पीछे का भी नज़ारा दिखाता हूँ आपको। हमारे बैक साइड में भी है गाड़ियाँ, ये लग चुकी है गाड़ियाँ यहाँ पे। और गाइस अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में कुछ ना कुछ मूवमेंट है हमारी, हो सकता है कुछ ना कुछ हो। सो मैं आ चुका हूँ अपने घर और जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको वीडियोस में भी दी हैं, और मुझे लगा जो मेरे साथ हुआ वहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरी बेटी है 1.5 ईयर की। सो गाइस मुझे नहीं लगा कि बच्चों को ले जाना एक जंगल सफारी में मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। 5 साल से छोटा बच्चा है तो आप उसको ले कर कभी भी ना जाएँ, तो रिस्क पहले ही साइन करा लेते हैं वो लोग और ये सारा रिस्क हमारा होता है। आपने वीडियो में देखा होगा कि जहाँ सारी जिप्सियाँ एक साथ हैं वहाँ पर टाइगर था, तो टाइगर निकलने वाला था, सारे टाइगर का वेट कर रहे थे, वो टाइगर बाहर आने वाला था। उसके रोड़ तक मुझे सुनाई दे रहे थे, उसके धाड़ने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, इतनी तेज़ थी वो धाड़ने की आवाज़ कि मैं बता नहीं सकता आपको। जब वो जैसे ही घुर्रा है ना तो जंगल में एक अलग ही आवाज़ थी, और उसी टाइम मेरी बेटी रोई और मैं वहाँ से वापस हुआ। तो इसी वजह से मैं टाइगर नहीं देख पाया, नहीं तो मैं टाइगर ज़रूर देख पाता, और मेरे सामने था, मुझे दिखा भी था थोड़ा सा, बाहर आने का वेट कर रहे थे हम लोग, आधे घंटे से वहाँ वेट भी कर रहे थे, बट क्या करते बच्चा साथ था इसलिए हमें जाना पड़ा, और ठंड भी बढ़ती जा रही थी तो इसलिए हम निकल गए वहाँ से। मेरा एक्सपीरियंस ये बेकार रहा कि बच्चों को लेके कभी मत जाओ। अगर कोई भाई जाना चाहता है, कोई बहन जानी चाहती है, कोई भी यार दोस्त कोई भी जाना चाहता है, तो मेरी कोई भी इस वीडियो को देख रहा हो तो मैं बोलूँगा बच्चों के साथ कभी मत जाइए। इवन आप जाए तो अपने दोस्तों के साथ जाए और जितने भी बड़े बड़े लोग हों उनके साथ जाए। और बाकी देखो यार चांस होता है कि आपको टाइगर दिखे या ना दिखे, हमें भी नहीं दिखा, फिर हमने एंड में जो सुबह की सफारी थी उसके अंदर उनको दिखा था, जो हमारे को गाइड थे हमने उनके फ़ोन में से वीडियो ली, तो मैं तो आपको टाइगर शूट करते हुए नहीं दिखा पाया।
लेकिन मैंने इतनी दूर गए, टिकट ली और आप लोगों को यही दिखाने गया था, तो कम से कम मैंने उनके फ़ोन से वो वीडियो शूट की है जो मैंने इस वीडियोस के अंदर भी डाली है, जो इस वीडियो के अंदर मैंने ऐड की है वो मैंने भैया के फ़ोन से ली थी। तो और सुबह ही वो टाइगर दिखे थे दोनों, तो उन्होंने जो शूट की थी, तो मैंने वो उनकी वीडियो से अपने फ़ोन से वीडियो बना के आप लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ वहाँ टाइगर है। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।